इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, क्या ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट है? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि अगर ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव नहीं है तो ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है? तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले के लिए हमें तो x की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी, तो वी गेट 1 टू द पावर p माइनस 1 टू द पावर q होल अपॉन 1 माइनस 1, दैट इज 0 एंड डिनोमेटर इज आल्सो 0, दैट इज 0 बाई 0 फॉर्म। इससे ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है कि ये इनडिटर्मिनेंट है। अब हम क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं या आपने सारे फॉर्मेट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है। तो जैसा कि अगर आपके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो लिमिट है, ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस 1 टाइप की है, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है? शायद हो सकता है आपको दिख रहा हो, खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसको पूरी तरह से इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, इसके लिए x की पावर p हमने 1 सबट्रैक्ट किया और हमने x की पावर q प्लस 1 कर दिया। तो हमने न्यूमरेटर में माइनस मतलब 1 को सबट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा पूरे हमारे फ्रैक्शन में। लेकिन सिस्टम धीरे धीरे पार्शली चेंज हो रहा है और हम उसमें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट को। तो ये आपका हो गया x टू द पावर p माइनस 1, और दूसरे से आप माइनस कॉमन कर लीजिए तो x की पावर q माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1, अलग अलग कर देते हैं तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x की पावर p माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड माइनस लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x की पावर q माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो जो आपका पहली वैल्यू है, ये आपका पी 1 टू द पावर पी माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी एन ए टू द पावर एन माइनस 1 होती है। और पहले के लिए आपका जो एन की वैल्यू है वो तो पी है, जबकि ए की वैल्यू आपकी 1 है। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो q है और जो आपका a की वैल्यू है वो आपका 1 है। सेकेंड क्या आ जाएगा आपका, q टाइम्स 1 टू द पावर q माइनस 1। तो 1 की कोई भी पावर होती हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 की पावर ऑलवेज 1 प्रोड्यूस करती है। तो 1 माइनस सॉरी p माइनस q, तो जो आपका लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 और x की पावर p माइनस x की पावर q अपॉन x माइनस 1 है, उसका आंसर p माइनस q आ गया।